चल आपण देतो या मात सबर मात चिंटू यायचा मुख्य व्यासपीठावरती आमचे करंजी भोपी साईगाव त्यांचं देखील शुभागमन झालं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. चला चिंटू यायचं आपण मार्तमाचा किताब स्वीकारासाठी. चिंटूला नक्कीच डेडिकेट केली आहे म्हणा तर माच अशोक येडेच्या माध्यमातून. तर गजाननजी केने यांना विनंती करतो आपण या आपल्या शुभास्ते आम्ही देतोय मार्त माच. आमचे राजेशजी मात्रे ते त्यांचे ते सासरे भाऊ आहेत. खरं तर गजाननजी केने त्यांच्या शुभास्ते आम्ही देतोय या मातसमार्थ माच. चिंटू यायचं आपण चिंटूला आपण देतोय या मातसमार्थ माच. टी व्ही स्क्रीनवरती सध्याच्या घडीला सर भावेश पवार यांना तुम्ही पाहू शकता. टीम मीटिंग होत असताना गोरसाई टीम टॉस जिंकला. क्षेत्रशेखराचा निर्णय त्याने स्वीकारला. चिंटू सोबत थोडीशी चर्चा आपण करू. चिंटू एक चांगला खेळाडू आहे. चिंटू काय म्हणशील या स्पर्धेमध्ये? खरं तर अशोक येडेने चांगला खेळ केला परंतु ट्रॉफी तुम्हाला डेडिकेट केली. आणि कल्याण ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांच्याबद्दल दोन शब्द काय सांगशील? जगन्नाथ आम्हाला संधी देतो तेवढीच आमच्यासाठी जाम मोठी गोष्ट आहे. आणि चांगलाच खेळ केला नानाने आम्हाला स्टार्ट करून दिली मॅच. बस थँक्यू सो मच. एवढं चांगला बोलतो मग घाबरतो का? तर जाऊया माच्या दिशेने जिथे मात्र एक मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. भिवंडी तालुक्यातून संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. दीपकदादा प्रतिष्ठान टीम गोरसई बी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण जर पाहिलं शहापूर तालुक्यातून संघ तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. खरं तर आमचे मंगेजी मात्रे ज्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आरोह 11 गावदेवी गोठेघर बी. आणि जर तीन चेंडूवरती तीन षटकार ठोकले टीम गोठेघर संघानं तर 3000 रुपयाचा कॅश प्राईज मंगेजी मात्रे यांच्या माध्यमातून टीम गोठेघर संघासाठी. थँक्यू सो मच. नमस्कार मंडळी सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. स्वर्गीय केशव बारको मात्रे स्मृती चषक 2023 मध्ये आणि ज्या सामन्याची उत्कंठा सर्वांना लागली होती ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटचा दोन महासत्ता समोरासमोर आपण बघत आहोत. दीपकदादा प्रतिष्ठान जय बजरंग गोरसेब विरुद्ध आरो 11 गोटेकर बी मध्ये या मॅच होईल सुरुवात. गोरसेबने टॉस जिंकला. फिल्डिंगचा निर्णय 5 षटकांचा पहिला डाव. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये गणेश डिंगोरे धोनी आणि त्याच्यासोबत रोहन शेळके यांना आपण बघत आहोत. बॉलिंग मार्कवरती भावेश पवार. दोन्ही संघांना लाडक्या प्रेक्षकांकडून आणि उपस्थित मान्यवरांकडून लाख लाख शुभेच्छा. मॅच ऑन. ओ व्हेरी फर्स्ट बॉल टो एंडला लागलाय. धोनी थांबणार नाही त्याला माहिती आहे आणि सरळ येतोय आता पॅवेलियनच्या दिशेने. शून्यावरती बाद. या बॅटिंग ऑर्डर मध्ये गणेश डिंगोरे महत्वपूर्ण फलंदाज होता जो इन्फॉर्म आहे. पण पहिल्या चेंडूवरती सर भावेश पवार विकेट मिळवतात. रॉयल डक इनिंगचा पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाला पण बाद होत असताना बघत आहोत. आणि तिसऱ्या क्रमांकावरती येतोय प्रीतम जोशी. लेफ्ट हँडर आहेत. ऑन साइड ला डीप मध्ये स्क्वेअर लेग ठेवण्यात आलेलं आहे आणि डीप मध्ये काऊ कॉर्नर मध्ये तुम्हाला एक फिल्डर पाहायला मिळतो. मिड ऑन मिड ऑफ आत मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आत मध्ये शॉर्ट कव्हर पॉइंट पूर्णपणे खाली आहे. तुम्ही गली रिजन मध्ये एक फिल्डर बघत आहात आणि शॉर्ट थर्ड मॅन तुम्हाला पाहायला मिळेल. शॉर्ट फाईन लेग मध्ये एक फिल्डर आहे. लेफ्टी बॉलर आहेत भावेश पवार. त्यामुळे लेफ्टी बॅट्समन प्रीतम जोशीला तिसऱ्या क्रमांकावरती आणण्यात आलेले आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज. ऑप्शनचा बाहेर होता. खाली राहिला चेंडू. बाउन्स नव्हता या चेंडूमध्ये. बराच बाहेर आहे. अंपायरचा इशारा तो व्हाईट बॉल. अवांतरिका दाव्याने खातं उघडतोय बॅटिंग करणाऱ्या आरो 11
गोठेकर डी संघाच आज महेंद्रजी माथरे यांनी गोरसई ब ला पुरस्कृत केलेले ऑन साइड लोकण्याचा प्रयत्न होता बॅटचा टू एंडला लागला दिशा बदलली चेंडू वाइडिश लॉन्ग ऑन मध्ये सिंगल ने धाव संख्या आपण बघत आहोत दोन आकड्यावरती सुरुवात आहे या मॅचची महत्त्वपूर्ण दोन संघ आपण बघत आहोत ग्रामीण गटांमधील खरं तर या पोलचे सर्वजण वाट बघत होते आठच्या आठ संघ नामांकित आहेत आणि आजचा पहिला सामन्यामध्ये आपण बघितलं शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना आला होता तिथून खऱ्या अर्थाने सुरुवात ऑन साइड ला रडार मध्ये होता चेंडू वाइडिश लॉन्ग ऑन ला क्लियर करेल पहिला षटकार या मॅच मधला पहिला षटकार शेकेचा ऑप्शन सा बराज बाहर होता टू एंडला लागला थर्ड मैन कवर करतो है धाव घेण्याची संधी नाही दोन्ही फलंदाज आपापल्या एंडला उभे आहेत इट इज डॉट बॉल एक्शन रिप्ले ऑन स्क्रीन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ने ऑप्शन सा बराज बाहर तिथून आणखीन बाहर काढत असताना चेंडू एज घेतली बॉटम एज आणि थर्ड मैन ने खूप चांगली फिल्डिंग केलेली आहे रोहनला आपण त्या ठिकाणी बघितलं ऑन साइड ला पुन्हा एकदा बराज उंचा आहे चेंडू पवन धावतोय पण चेंडू पडल्या बरोबर जागेवरच उसळलेला आहे ढकलता आतमध्ये पवन केने उचलून फेक करतील तोपर्यंत दावा पूर्ण झालेला त्या दोन आणि दोनच्या सहाय्याने नाव फलकावरती आपण बघत आहोत सध्या त्या दहा धावा सर्व नामांकित खेळाडू आहेत ग्रामीण गटांमधून खेळत असताना आपल्या गावाचं प्रतिनिधित्व करत असताना शहरी संघांमध्ये नाव लौकिक मिळवणारे खेळाडू आहेत प्रत्येकाचा फॅन बेस वेगळा आहे त्यामुळे बरेचसे प्रेक्षक ऑनलाईन या मॅचचा आनंद घेत आहेत सर्वांचं स्वागत हो बॅटचा आतमधल्या भागा लागला मिड विकेट मध्ये डीपमधून फिल्डर वेगाने पहिली धाव वेगाने सेकंडचा कॉल थ्रो येतोय स्ट्राइकिंग एंडला धावता शेके पोहोचतील गुड जर्निंग बिटवीन द विकेट धावा मिळतात दोन आणि अशा पद्धतीने आपण बघत आहोत पहिल्या षटकाचा खेळतो संपन्न 12-1 बॅटिंग करत असताना पहिल्या डावामध्ये आपण बघत आहोत संघ आरो 11 गोठेकर बी आपला फर्स्ट ओव्हर 12-1 12 वरती पहिला धक्का पहिल्या षटकामध्ये 12 आलेले एक षटकार आपण बघितला कॅप्टन रोहन शेकेचा बॅट मधून आणि दुसऱ्याच षटकामध्ये आपण बघत आहोत गोलंदाज सूरज केनेला पॉप्युलर पर्सनॅलिटी स्क्रीन वरती तुम्ही पवन केनेला बघत आहात जो सध्या तुम्हाला पाहायला मिळतोय डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डिंग करत आहे राईट आर्म सीमस राईट आर्म सीमरला आता आपण बघतोय सूरजला सेकंड ओव्हर मध्ये होम बॉक्स एंड कडून षटक मिड ऑन मिड ऑफ आतमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आतमध्ये असेल आता स्वीपर कव्हरला पवन सरकलेले डीप मध्ये थर्ड मॅन गली फाईन लेग राउंड विकेटने सूरज लोवा फुल टॉस डाउन द ग्राउंड मिड ऑनला फील्डर चेस केलाय चेंडू लॉन्ग ऑनचा दरम्यान सहज जातो सीमा रेषेच्या बाहेर चार धावा चौकार फुल टॉस होता स्ट्रेट बॅटने चांगला फटका जो सरळ साइड स्क्रीन वरती ओ पडल्या बरोबर हा चेंडू बाहेर वळत घेतोय कमी गती या चेंडू मध्ये देखील पाहायला मिळाली पण पडल्या बरोबर बाहेरचा बाजूने वळण घेताना चेंडू चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला पा किती वळण घेत असताना पण बघितलं या चेंडूला 16 वरती धाव फलक आहे प्रगतीपथावर दुसरं षटक पावर प्ले सुरू आहे ऑन साइड ला दोन आहेत डीप मध्ये स्वीपर कव्हर ठेवण्यात आलंय सूरज कडून प्रीतम जोशी साठी पुन्हा बोट फिरवली कॅप मध्ये त्या कोन मध्ये चेंडू भावेश कव्हर करतील ते कॅप पोहोचले चेंडू वरती थोडासा वेळ जरूर घेतला होता कदाचित दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जावा फलंदाजांकडून आणि त्यानंतर तो थ्रो करण्यात येईल
पण एका जावेवरती समाधान मानावं लागलंय, त्याचं कारण बाबेश पवार होते डीप मध्ये। धावसंख्या आपण बघत आहोत 17 पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। इलेक्ट्रिक सप्लाय नव्हता त्यामुळे थोडा वेळ जरूर लाईव्ह स्ट्रीमिंग ही बंद होती। नाव आपल्याला पाहायला मिळतं 26 प्रगतीपथावर असेल आता चौथं षटक। आणखी एक डावकर त्याचा फिरकीपटू तुम्हाला पाहायला मिळेल। पवन केणे लेफ्टी समोर आहे, प्रीतम जोशी या डाबामध्ये। या फलंदाजांकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा असणार आहे, बिकॉज भावेश आपण 2 षटकं बघितली। पवन आला आणखी एक डावक्रेताचा गोलंदाज, बॉल बॅक टॅप आहे, वाइड ऑफ लॉंग ऑफच्या दरम्यान भावेश पवार वेगाने फिल्डिंग चांगली थ्रो येतोय, स्ट्रायकिंग इन अॅक्युरेट पण वेगाने पोहोचला प्रीतम जोशी। विकेट प्रीतम शेवे त्यामुळे भावेश पवार यांनी स्ट्रायकिंग इनला थ्रो केलेला आहे। 2 साह्यानं धावा फलकावरती आपण बघत आहोत त्या 28 काउंटर अटॅक करावा लागेल, मोठे फटके तुम्हाला खेळावेच लागतील। ओ रॉंग वन आलाय पवन केणेचा, बाहेर निघत असताना चेंडू, खर तर लेफ्टी आहेत बॅट्समन, लेफ्टी आहे बॉलरिंग, त्यांना असं वाटलं प्रिव्हियस बॉल जो आतमध्ये येणार होता। फ्लिक करण्यात आला मिड विकेट मध्ये, फिल्डर डीप मध्ये आपण बघत आहोत। पहिल्यांदा वेगाने पुन्हा एकदा सेकंडचा कॉल आहे, प्रीतमने थांबवलंय फलंदाज अमितला आणि आता त्याची विकेट या ठिकाणी सॅक्रिफाईस करण्यात येईल। लागतो 29 वरती 3 झटका गोटेकर बी टीमला। आणि प्रोजेक्टेड स्कोर फक्त 41 दाखवत आहे, बिकॉज 29 आहेत। फलकावरती पडला बरोबर आतमध्ये आला, ऑप्शन हलका बाहेर पडलेला चेंडू मिडल अँड लेग वरून सरळ विकेट किपर हातामध्ये जात असताना एडिस डॉट बॉल खूप चांगली बॉलिंग करत आहे। पवन केणे लेफ्टी बॅट्समन अगेन्स्ट आतीस आलेले आहेत, खूप उशीर आले असं मी म्हणू शकतो, बिकॉज आतापर्यंत 3.4 ओव्हरचा आता 5 ओव्हरचा खेळतोय फिनिश, 7 चेंडूंचा खेळ फक्त शिल्लक असेल। 1 मोर डॉट बॉल, शेवटचा चेंडू ऑन साइड ला टर्न करण्यात आला वाडीश लॉंग ऑन मध्ये। सूरजला आपण बघत आहोत त्या ठिकाणी, नावी ती घेतली नाही कारण शेवटच्या षटकामध्ये आतिशला स्ट्राईक हवी म्हणूनच। 4 षटकांचा खेळ संपन्न, हे षटक राहील पवनचा उघ्या 3 धावसंख्येचं, 29-3 आरो 11 गोठेकर बी। हॅलो माईक, सुस्वागतम या मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतो खरंतर ज्यांच्या पिताश्रीच्या नावाने ही स्पर्धा आहे, ते स्पर्धेचे शिल्पकार आपले भावी नगरसेवक भावेजी केशव मात्रे साहेब आणि त्याच्या साथीनं रुपेजी गोरे साहेब आणि त्यांचा मित्र परिवार या मुख्य व्यासपीठावरती येत असताना साहेब आपण आलात या स्पर्धेमध्ये, आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। व्यासपीठाला शोभा असते मान्यवरांच्या उपस्थितीने आणि आमचं हे व्यासपीठ
मान्यवरांची गर्दी आपण बघत आहोत या स्पर्धेवरचं प्रेम क्रिकेट या खेळावरचं प्रेम आणि आज हे नामांकित संघ या सर्वांना बघण्यासाठी आपापल्या आवडत्या खेळाचा खेळ बघण्यासाठी इथे सर्वजण उपस्थित आहेत. 3000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक ऑनलाइन टेनक्रिक या वाहिनीद्वारे जोडलेले आहेत. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत स्वर्गीय केशव बारकू मात्रे स्मृती चषक 2023. सहावा सामना तुमच्या समोर आहे, पाचवा सामना माफ करा, पहिल्या फेरीतील जो चौथा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय आणि आता पहिल्या डावातील शेवटचा षटक असेल. बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाज किशोर मुकादम. ओ आणखी एक फिरकीपटू आलाय. तिसरं षटक भावेश पवार लेफ्ट आर्म स्पिनर, चौथं षटक पवन केने लेफ्ट आर्म स्पिनर आणि पाचवं षटक आतिश मुकादम लेफ्ट आर्म स्पिनर. आतिश बांडे स्ट्राइकिंग एंडला फुलटॉस आहे. टो एंडला लागल्या गरंगळत मागे चालला डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला पहिली धाव वेगाने सर भावेश पवार एका साताने उचलला स्ट्राइकिंग एंडला थ्रू आलाय पण थोडा वाईडिश थ्रो. तीन बॅकअप चौथ्या बॅकिंगला आलेल्या फिल्डरने तो कव्हर केलेला आहे. आर्म्स किती स्ट्रॉंग असतील, शोल्डरचा वापर खूप चांगल्या पद्धतीने करतात. भावेश पवार ज्या वेगाने धावत आले टेनिस बॉल क्रिकेटने सर ही पदवी ज्या खेळाडूला बहाल केलेली आहे तो हा सर्वांचा खेळाडू. खूप काही शिकण्यासारख्या या खेळाडूकडून आणि जेव्हा जेव्हा नामांकित खेळाडू असे आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात यंगस्टरसाठी मोठी पर्वणी असते. ऑन साईडला त्याच दिशेने चेंडू डीप मध्ये भावेश पवार पहिल्या टप्प्यावरती कव्हर करतात. थ्रो येतोय नॉन स्ट्राइकिंग एंडला संधी असते रन आउटची पण दोघंही फलंदाज आता थांबतात. जर वेगाने थ्रो आलाय सिंगलच्या सहाय्याने धावा फलकावरती आपण बघत आहोत 32. स्ट्राइकिंग एंडला जर आता थ्रो केला असता तर आतिशने कदाचित प्रीतमची विकेट ही टाकली असती, त्यामुळे नॉन स्ट्राइकिंग एंडला थ्रो आलाय. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण क्षणभरातच तुम्हाला निर्णय घ्यावा लागतो आणि जसा चेंडू आला भावेश पवार यांच्याकडे नॉन स्ट्राइकिंग एंडला लगेचच त्यांनी थ्रो केला होता. धावा आपण बघत आहोत 32. तीन विकेटचं नुकसान, तीन चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. नांदिवलीचे डोंबिवलीचे महेंद्रजी मात्रे यांनी पुरस्कृत केलेले आज गोरसई ब संघाला दीपक दादा प्रतिष्ठान या नावाने आपण बजरंग गोरसई बी संघाला बघत आहोत. दुसऱ्या बाजूने आरओव्ही 11 गोठेकर बी. मंगेशजी मात्रे यांनी गोठेकर बी संघाला पुरस्कृत केलाय. दोन्ही पॅकर्स मनापासून स्वागत करू. ओ चेंडू निसटला हातामधून, इट इज नो बॉल, नॉन सेकंडला थ्रो, ओव्हर थ्रो झालेला आहे. वेगाने ही धाव आपल्याला पाहायला मिळाली पण आतिशने आता थांबवलेला. फ्री हिट असेल पुढचा चेंडू, इट्स अ बीमर. एक्स्ट्रा पेसचा प्रयत्न सुरू होता गोलंदाजाचा. वेगाने चेंडू गेला, धावा फलक आपण बघत आहोत 34-34 या आकड्यावरती. फ्री टॉन असेल, धावा येत नव्हत्या आणि धावा आता येत असताना आपण बघत आहोत गोटेकर बी संघासाठी. आतिशकडे स्ट्राईक आहे, पाहूया थ्री हिट वरती किती धाव संख्येचा हिट येईल. स्क्वेअर लेग मिड विकेट वाईडिश लॉंग ऑन डीप लॉंग ऑफ डीपिश कम पॉइंट. ऑन साईडला टर्न केलाय मिसॅम फटका भावेश पवार पण दोघांच्या मधून चेंडू पहिल्या टप्प्यावरती सीमारेचा पार करतोय. चौकार चार हजाराचा आता आकडा पूर्ण केलेला आहे, क्रॉस केलेला तो आमच्या प्रेक्षकांनी. सर्वांचं स्वागत स्वर्गीय केशव बारकू मात्रे स्मृती चषक 2023. सफल झाला फुल टॉस होता, ऑन साईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न होता, खरं तर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये मिसफील्ड. या गोष्टी फार क्वचित पाहायला मिळतात पण आता आपण बघत आहोत. येतोय चौकार,
नितेशजी जाधव यांचं इथे मात्र शुभागमन झाले. स्वागत आहे आपलं या आपण व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. धावा तीन इधे टोटल स्कोर अपने पांच षटक पहले डावा मे तीन गड़ी बात आरो इलेवन गोठेकर बीसा 45 लक्ष्य दीपक दादा प्रतिष्ठान जय बजरंग गोर से बी संघा समोर कुछ जाऊ ना मंडली दुसऱ्या डावा मध्ये 46 लक्ष्य तुम्ही पात्र स्वर्गीय केशव बारकू मात्रे स्मृति चषक 2023 तुर्ता सामने दुसरा डावा मे अवक्यात अपन खूब सारा गोया लोड करून बंदू घेऊन येतील. AK-47 तुमच्या समोर बाबूसा थैंक यू धन्यवाद. हेलो माइक चेक. समाज सेवक उद्योजक रुपेजी गोरे साहेब आहेत त्यांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करण्यात येईल. या स्पर्धेचे लाडके शिल्पकार बाबेजी केशव मात्रे साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते अपन रुपेजी गोरे यांचा शुभ सन्मान करायचा. हेलो भाई ठीक तदनंतर मी विनंती करतो जय भाई आपण केल्या आपला ही शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करण्यात येईल. मी विनंती करतो जय भाई आपणास आपण यायचं. Over to you, commentary box. तो चलिए धन्यवाद राहुल सर और उसके साथ के हमारे करण सर बहुत बहुत आपका स्वागत है. तो चलिए दोस्तों ले चलूंगा फिर से आपको एक बार स्वर्गीय केशव बारकू मात्रे स्मृति चषक 2023 नवीन उडोली और जहाँ पर देखिए एक नई अंदाज के साथ नई सोच के साथ है और सीजन का हुआ है शुरुआत है. अटी जी थोड़ी सी आवाज कम हो गई है मुझे पिछले दो मैच के हिसाब से. हाँ ओके धन्यवाद है. और आप देख सकते हो टेन क्रिक लाइव देखिए थोड़ा समय के लिए बिजली चली गई थी और जो ऑनलाइन दर्शक जुड़े हुए हैं थोड़ी सी नाराजगी जताए थे. बहुत हमारे बड़े प्यारे दर्शक हैं क्योंकि निश्चित रूप से देखिए कोई अपने जॉब के अंदर रहकर समय निकाल कर मैच देखते हैं, कोई सफर के दौरान ट्रेन पर लीजिए बस पर लीजिए मैच का आनंद लेते हैं और कहीं हमारे रिक्शा चालक मालक वो भी स्टेशन के करीब बैठकर इस सनसनी मुकाबला का आनंद लेते हैं. सभी का तहे दिल से स्वागत. उसके साथ साथ क्राउड में जितनी दर्शक उपस्थित हैं और मेहमानों के मंच पर देखें जो मेहमान उपस्थित हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है. चलेंगे दोस्तों देखिए हम टारगेट की बात करेंगे. टारगेट तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि कहते हैं ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है और क्रिकेट में हमने कई मर्तबा देख चुके हैं जीत के करीब भी जाकर हार होती है इसलिए क्रिकेट का भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और देखते हैं यहाँ पर इतना आसान नहीं रहेगा खास करके यहाँ पर आरो इलेवन से गोल्टेकर बॉल टीम को आपने पहला टारगेट छोटा सा सेट किए हैं फिर आपको नियंत्रण गेंदबाजी करनी होगी एवरेज गेंदबाजी और सबसे पहले कहते ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. लेकिन इस घोरसाई टीम की बात करेंगे दीपक दादा प्रतिष्ठान इस नाम से महेंद्र दादा मात्रा आए तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए मंच पर तशरीफ रखें. एक बिग पैकर से ठाणे रायगढ़ महाराष्ट्र के पैकर मैच जिनके नाम बड़ी इज्जत अदब से ली जाती है चाहे टेन पेन लीजिए चाहे ओपन के किसी टूर्नामेंट लीजिए दीपक दादा प्रतिष्ठान के नाम से ग्रामीण पर लीजिए बहुत अच्छे बिग पैकर. लेकिन तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. पवन केनी देखिए और उनका साथ देने के लिए संदेश केनी कप्पू दादा केनी देखिए टीम के खंभीर से यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद हैं. कप्पू दादा आपका बहुत बहुत स्वागत. पिछले सीजन में भी मैंने जिक्र किया था डंबोली नाइट में तो चलिए शैलेश दादा गायकोड़ देखिए बात करेंगे माफोली से देखिए शुभकामना आता हुआ सर भावेश पवार और गुरसाई टीम के लिए माफी चाहेंगे बहुत सारा देखिए शुभकामना करण सर आ रहा है लेकिन अगर हम शुभकामना यहाँ पर पहुँचाने बैठे तो फिर तीन ओवर का मैच कंप्लीट हो जाएगा जैसे जैसे वक्त मिलेगा ये चीज़ भी हम करते रहेंगे दोनों चीज़ों को देखिए क्योंकि दर्शक ऑडियंस जो मेहमान होते हैं ना ये क्रिकेट के कोई नहीं रहे भाई
इन्होंने ऊंचा दिए, इसमें ऊंचाई दी है, चार चांद लगाए हैं। पवन केनी देखिए भाई, ए वन पवन ना, आज ग्रामीण से देखिए ये खिलाड़ी ओपन में चमकता हुआ और बहुत बढ़िया क्लास। उसके बाद देखिए खेलना चाहते थे मिड ऑफ स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे, आखिरी समय में गेंद थोड़ा सा नीचे रहा, बल्ला भी घुमा शॉर्ट पॉइंट पर, अच्छा फील्डिंग। ये छोटी छोटी चीजों को आपको संभालना होगा। अगर आरओ इलेवन गोटेगर बॉल टीम को ये मैच जीतना है ना, तो मेहनत गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी करना होगा। करण सर कहते हैं ना, बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। तो अगर ये 46 रन बचाना है तो फिर मेहनत करना होगा। जहां पर कंपल्सरी चेसिंग देखिए, भूमि इलेवंस मांडर टीम तैयार है। अगला मैच कौन सी टीम आएगी यहाँ से, वो भी इंतजार कर रहे होंगे, वो भी इस मैच को पढ़े बेसब्री से देखे स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, पहला दो ओवर थोड़ा मैच का करेगा पर्दाफाश कि मैच किसका पक्ष में रहेगा, किसके झोले में रहेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त समय आपको बताएगा। और ये चलिए भाई हल्के से बाहर की तरफ गेंद निकली यहाँ पर, आधी मड़के देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक देखिए शांत है पूरी तरह से वातावरण, देखिए दर्शक भी देखिए क्राउड एकदम से शांत। और ये चलिए भाई संदेश केनी फ्लाइटेड गेंद थी यहाँ पर, फुल लेन का यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, फील्डर थे भाई यहाँ पर बन गए दर्शक। जय सर का सारा चरण। चलिए 5000 के करीब देखिए दर्शक जुड़ते हुए इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। टेंट क्रिक देखिए अच्छी क्लियरिटी, अच्छी क्वालिटी, थोड़ा समय के लिए बिजली गई लेकिन कुछ सवाल कमेंट चार्ट में उठने लगे। लेकिन टेंट क्रिक के पर उंगली मत उठाइए भाई, सोना अगर किचड़ में भी गिर जाए ना उसका कीमत कम नहीं होता है। जैसे बिजली आई फिर वही क्लियरिटी वही क्वालिटी के साथ है मैच के दे रहे हैं पूरी आनंद। बल्ले का यहाँ पर लिया है शायद बाहरी किनारा, आवाज तो बहुत आई और करण सर कहते हैं ना मुट्ठी भर शक्कर समंदर में डाल देने से समंदर में नमक नहीं कम हो जाता है। एकाक छक्के लगा देने से यहाँ पर दबाव तो यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर था, लेकिन संदेश केनी का विकेट मैच को फिर से कर रहा है जीवित। क्या अब यहाँ पर सूरज केनी थोड़ा बल्लेबाजी में ऊपर उतारा गया है। को बचाना सूरज केनी मैदान पर उतरे, व्हाट अ फिनिश। कल कामोटे के मैदान के ऊपर एक गेंद चार की जरूरत थी और क्या फिनिश किया था, क्लास बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर गेंदबाजी ने थोड़ा सा मैच में जान डाल दिया छक्का खाने के बता दी। करण सर देखिए यहां पर मैंने पहले यहां पर जिक्र कर दिया कि मुट्ठी भर शक्कर समंदर में डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। एकाक विकेट अब हासिल कर लेने से मैच को यहाँ पर पूरी तरह से मुट्ठी में नहीं लिए हैं। अगर मुट्ठी में मैच को लेना है तो दो से तीन विकेट अगर पहले दो ओवर में गिरता है। ओ ये देखिए कमाल का गेंद है, इस बार देखिए इन स्विंग देखने को मिला, अंदर की तरफ गेंद आई और चारों खाना छेद किया यहाँ पर सूरज केनी। देखिए अभी अभी मैदान पर उतरे थे और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे, 7 रन बना है। क्या नींद भी उड़ाएगी, क्या चैन भी चुराएगा, क्या ये मैच और कुछ सनसनी मचाएगी, ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा। समीकरण की बात कर लेंगे अभी देखिए यहाँ पर 24 गेंद और जीत के लिए देखिए 39 की जरूरत है। टीम मीटिंग थोड़ा कम लेना होगा 20 मिनट का वक्त पहले चार ओवर के लिए, क्योंकि आज फाइनल मैच खेला जाना है, सेमीफाइनल खेला जाना है। वक्त ज्यादा मत लीजिए, समय किसी का मोहताज नहीं करण सर, हम समय के मोहताज हैं। देखिए कहीं दर्शक जो ऑनलाइन जुड़े हैं ऐसा नहीं कि भाई वो भी फ्री बैठे हुए हैं, वो भी देखिए कामकाज से थोड़ा समय लेकर, कोई नौकरी से, कोई अपने बिजनेस से, कोई अपने घर के काम से, कोई अपने सफर के दौरान थोड़ा सा मोबाइल ऑन किए होंगे, टीवी ऑन किए होंगे और समय को बचाकर इस मैच को देख रहे होंगे, तो इसलिए ज्यादा समय मत लीजिए भाई, समय बहुत मूल्यवान होता है। दर्शक देखिए खचाखच लगभग 9000 से ज्यादा
मैदान के चारों तरफ इस मैच में सनसनी मचाते हुए, और ऑनलाइन भी देखिए दर्शक है लगभग 5000 से ज्यादा। क्या बढ़िया मुकाबला है, इसलिए तो कहा जाता है क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें पसीना निकल जाता है अच्छे अच्छे का। पवन किनी स्ट्राइक पर आए हैं, लेकिन कहते हैं ना करण सर, शुरुआत के बैटर यानी तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा। एक पवन है और जो बड़ा ताकतवर मगरमच्छ अभी भी डगआउट पर, ये देखिए रिवर्स खेलने चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद बहुत दूर था, बाहर था, इसलिए व्हाइट करार दिया गया। पवन खेलने देखे भाई, ये रिवर्स शॉट आजकल खेलना हर किसी ने पसंद कर लिया। राहुल सर कह देना, दिन भर में आप कितने भी इडली डोसा खा लो, जब तक ओड़ा पाव ना खाओ तब तक सुकून नहीं मिलता है। आप सीधे बल्लेबाज से कितने भी एवन पवन देखे कितने भी बड़ा हिट खेले, लेकिन जब तक रिवर्स बैटर नहीं खेलता है उसे लगता है कहीं ना कहीं मैंने कुछ खो रहा हूं, लेकिन अच्छा संकेत नहीं है। और ये चलिए यहां पर भी रिवर्स का कोशिश है, फुल लेंथ था यहां पर, नो बॉल देखे मिला है बिमर केन। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो क्या है? ये सिंगल होता था, मैं तो कहूंगा छक्का तो नहीं, कम से कम चौका तो हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना जब आदत से इंसान मजबूर हो जाता है। और क्या जरूरत है, पवन को देखिए लोग पहचानते हैं किस चीजों से, एवन पवन देखिए इसलिए पहचाने जाते हैं जब वो एवन क्लास के बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट खेलते हैं। पिछले साल भी देखिए हमने देखे एसएससी खमल पड़ा के लिए अर्धशतक इनिंग्स ओपन में खेले थे। यहाँ पर सूरज केनी देखिए, यहाँ पर हवा में खेने, तीन फील्डर हैं गेंद के नीचे, और जब तक गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों बैटर्स यहाँ पर दूसरा रन कंप्लीट करते हुए। गेंदबाज देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा दिशा से भटक रहे हैं, अच्छी गेंदबाज देखिए तभी आप कहलाओगे, लाइन और लेंथ ये अच्छी होनी चाहिए। भलाई देखिए वर्ल्ड कप हमें नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद समी ने एक चीज दिखा दिया भाई, 7 मैच में 24 विकेट हासिल किए क्योंकि अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ उनकी गेंदबाजी थी, और लाइन लेंथ की वजह से जादू गेंदबाजी कर डाले और 7 मैच में 24 विकेट निकाल डाले थे। तो यहां पर उसी तरह के 46 रन बचाना है तो लाइन लेंथ। हवा में है गेंद, शायद कोई फील्डर नहीं है, बहुत बड़ा गैप था यहां पर, इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और सूरज के नी बल्लेबाजी कर रहा है ले भारी। हजार के करीब दर्शक पहुंच रहे हैं भाई ऑनलाइन, और मैदान पर देखिए 9000 से ज्यादा। और ये चलिए भाई सूरज के नीचे बल्ले से निकलता हुआ 1K47 भाई सूरज के नहीं बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन भावेश पवार की सॉन्ग देखे, इसे कहते हैं मिठाई की दुकान में मिर्ची भी मिल रही है। और भावेश पवार क्या बल्लेबाजी में उतरेंगे, यहां पर दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 22 रन, पेट्रोल भाई एक दमदार शाहीचौक देखिए, और इस वक्त तशरीफ रखते हुए बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। गेंदबाज की बात करेंगे, यहां पर मनीष देखिए, यहाँ पर हवा में खेने, सूरज केनी का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, क्या अब दुकान में ताला लगने वाला है, क्या मैदान के अंदर सर भावेश पवार अब आने वाला है।
एक गेंद बचा है और बिकी दादा के नहीं देखे भाई का बात करेंगे आमने भिवंटी और गुरसाई के देखे खास खंबीर और उनकी तरफ से खास शुभकामना देखिए आता हुआ गुरसाई टीम के लिए। बिकी दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी सुबह सुबह हमारी भी तारीफ के फूल बांधे थे। और देखिए ठाणी ग्रुप जो उनके ग्रुप में देखिए 400-500 खिलाड़ी कॉमेंटेटर ज्वाइन है, हमेशा क्रिकेट की चर्चा होती है, राजनीति की चर्चा होती है और उस ग्रुप के माध्यम से भी शुभकामना आता हुआ। बस सब भाई भी देखिए हमारे खास करीब है अभी की दादा खेली। तीन चेंडू वरती तीन विकेट संपादित केले तर मंगेशजी मात्रे जे पुरस्कर्ते आहेत टीम गोठेकर जे त्यांच्या माध्यमातून 3000 रुपयाचा कॅश प्राइज या खेळाडूला देण्यात येईल। क्या बात है, देखिए हौसला यहाँ पर बढ़ाते हुए मैदान के बाहर। राहुल सर इसे कहते हैं उल्फत में जो सर कटा है उसे सरदार कहते हैं और मैदान के बाहर जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए उसे नायक नहीं खलनायक कहते हैं। लेकिन मेघराज देखिए बात करेंगे पवन केनी के बंधु उतरे हैं और क्या यहाँ पर इन्हें मैदान पर उतारना, हल्के में थोड़ी सी ले रहे हैं, भावेश को थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं, क्या मैच कुछ अलग रंग लेने वाला है ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा। क्योंकि अभी देखिए जीत और हार के बीच में देखिए 18 गेंद 24 की जरूरत है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन नाम उनके नहीं है। कहते हैं ना जब तक आप लड़ोगे नहीं, पेट दिखाओगे तो करण सर मौत पाओगे और सामना करोगे तो जीत पाओगे यहाँ पर। और गोटेकर बॉल टीम देखिए चारों इलेवन के नाम के यहाँ पर सामना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी भी देखिए डगआउट पर जंगल में शेर से टेनिस क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना, लेकिन उनका मैदान पर आना इंतजार कर रहे हैं उनके चाहत, उनके दर्शक, उनके चाहने वाले। बिकी दादा के लिए देखिए खास उनके तरफ से स्पेशल शुभकामना आया है। कई मरतबा देखिए बात करेंगे डिनर पार्टी रखते हैं जब जब गोरसा टीम जीतती है लेकिन कप्पू दादा के लिए देखिए किशोर मुकादम देखिए उस टीम में क्या बहुत बढ़िया पिछले 2 साल से हरपत मौला खिलाड़ी बनते आ रहे हैं लाजवाब, लेकिन आज शायद प्ले 11 पर कपिल केनी उनकी भरपाई की यहाँ पर किशोर मुकादम। चलेंगे मैच की तरफ, 18 गेंद 24 की जरूरत है। कहते ना सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता, ताला टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, अरे गिरते हैं 1000 दरिया जाकर समंदर में क्योंकि समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अगर यह मैच कोटेगर बॉट टीम को बचाना है तो फिर समंदर तक पहुंचना होगा, समंदर की गहराई तो काफी है लेकिन सुनाम उनके नहीं है। हवा में है गेंद, फील्डर है टीप कवर पर, एक रन आएगा क्या दूसरे के लिए चाहेंगे, यस नो यस नो। और यहां पर देखिए मौका बना रहे थे दोनों भाई की जोड़ी यहां पर मेघराज और पवन केनी, मेघराज केनी के बीच में एक माँ का अधूरा सपना हमेशा रहता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, या तो करण अर्जुन की जोड़ी मैदान पर आ चुकी है लेकिन जब करण अर्जुन दोबारा आए थे करण अर्जुन में अमरीश पुरी को यह पसंद नहीं था, तभी उसने भी बताया था इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। क्या यहां पर गेंदबाज आदि वो सिस्टम बंद करने की कोशिश करेंगे और ये चलिए एक एक रनों से आगे चल रहे हैं, मैच को करीब लेकर जा रहे हैं, मैच अभी क्या कुछ रंग बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिंगल डबल से टोटल तो आगे चलेगा लेकिन मंजिल नहीं। कहते हैं ना कौवा कितना मर्ची वो सिंह में सिंह से ना ले भाई वो सफेद नहीं दिखेगा, आप सिंगल सिंगल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। लेकिन 6000 से ज्यादा ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, खरतर ज्यांचा वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपण पाहतोय, या स्पर्धेचे दमदार शिल्पकार वरुणदादा वामन म्हात्रे साहेबांचं शुभ आगमन होत असताना आज ज्यांचा वाढदिवस वर्षातील खास दिवस आणि वरुणदादाचा वाढदिवस त्यांच्या वरुणदादा म्हात्रे साहेबांचं शुभ आगमन होत असताना दादा आपण आलात या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत आणि त्यांच्या साथीनं माजी नगरसेवक नक्कीच आमचे तुषारदादा बेंबळकर त्यांचाही शुभ आगमन होत असताना आज मात्र ज्यांचं वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपण पाहतोय। खरं तर बदलापूर विभागातील एक दमदार नेतृत्व, खरं तर शिस्त वचन सेवा नातं या चार संगमांनी भरलेली शिवसेना आणि त्या शिवसेनेचे आमचे नक्कीच माजी नगराध्यक्ष आणि शहर प्रमुख वामनजी म्हात्रे साहेब यांचे चिरंजीव नक्कीच आमचे वरुणदादा वामन म्हात्रे साहेबांचा शुभ आगमन होत असताना दादा आपण आलात या स्पर्धेमध्ये, आपणास आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडनं आणि आयोजन कमिटीच्या वतीनं वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक शुभेच्छा। त्याचबरोबरीनं आमच्या नक्कीच को अँकर त्याचं देखील शुभ आगमन झालंय। तो चलिए यहाँ पर सर भावेश पवार देखिए मैदान पर आ चुके हैं, 15 गेंद 22 की जरूरत है इसलिए तो कहा जाता है जंगल में शेर से
और टेनिस क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना, अगर भावेश का विकेट यहाँ पर गिरता है तो डीजे थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए तो फिर दिक्कत हो सकता है यहाँ पर। क्या मुकाबला देखिए यहाँ पर, अरु इलेवन स्कोटेगर पावर टीम देखिए बता रहे हैं, पेट दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे। भाई कहते ना जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। 7000 से ज्यादा व्यूअर्स जुड़े हुए हैं मैच के, देखिए पूरी आनंद ले रहे हैं, एक सनसनी मूड में मुकाबला आ चुका है यहाँ पर। 15 गेंद जीत के लिए 22 की जरूरत है, कहते हैं ना डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या फूल खिलाएंगे फिर से एक बार सर भावेश पवार, पवन के नीचे आउट होने के बाद है। और ये चलिए बड़ी अच्छी गेंद नीचे रहा यहाँ पर, हरकत किया भाई यहाँ पर, आधी देखिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, अब समीकरण देखिए बदलता हुआ यहाँ पर। 14 गेंद 22 की जरूरत है, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। क्या आधी यहाँ पर जिस तरह से मैच में जान डाली है, और ये चलिए लीडिंग एज लिया था, मौका था भाई, यहाँ कोशिश करना चाहिए था और यहाँ ड्राइव लगाना चाहिए था, यहाँ पर एफर्ट चोट डालना चाहिए था, यहाँ नहीं तो फिर कहाँ, हल्का सा छोटा सा मौका। कहते हैं ना अगर बड़ा मैच विनर बनना है तो छोटा छोटा गलती छोड़ना होगा, मौका था थोड़ा सा, एक मोमेंट बना था निश्चित रूप से। अब समीकरण की बात कर लेंगे भाई, 13 गेंद, डीजी थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, ये बीच बीच में आप कम मत कीजिए। स्कोर की बात कर लेंगे यहां पर, 25 रनों तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी देखिए 13 गेंद 21 की जरूरत है, बांध कर रखे हुए यहां पर, 46 रनों का टारगेट था इसलिए तो मैंने जिक्र किया था भाई कि रात में फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है, ये मैच अब कहां पहुंचेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना सांप के फन में बिच्छों के डंक में जहर होती है और भावेश की बल्लेबाजी में एकदम कहर होती है, लेकिन मेघराज यहाँ क्या करते हैं, उन्हें जो प्रमोट किया गया था बल्लेबाजी में। मुख्य बास्केटवरती कुलगाव बदलापुर नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक आमचे तुषार दादा बेंबळकर यांचाही शुभ सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतो तुषार जी बेंबळकर साहेब आपण या आपला शुभ सन्मान या मुख्य बास्केटवरती करण्यात येईल। डॉट गेन दिक्कत पड़ेगा भाई, फूल से दोस्ती कांटों को खतरा, शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा और डॉट गेन से बनेगी, देखते यहाँ पर कितना खतरा है भरा। 12 गेंद जीत के लिए अभी 21 की जरूरत है, मैच देखिए रोमांचक स्थिति में पूरी तरह से पहुंच चुकी है, लेकिन कहते ना सुबह अभी जिंदा है और शाम अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है क्योंकि जब तक मैदान के अंदर रहा भावेश पवार जिंदा है, लेकिन अरविंद गोटेकर पावर टीम भी बता रहे हैं भला ही हमने टारगेट छोटा रखा है। मुख्य व्यासपीठावरती वरुणजी म्हात्रे साहेब आहेत, त्यांची नक्कीच थोडीशी बाईट घेत आहेत आमच्या को अँकर श्रद्धा ठोंबरे मॅडम, त्यामुळे समोरचन फक्त 2 मिनिटं आपण बंद करूया, आयोजकांची अशी सूचना।
प्रयत्न पण करतोय तुषारजी बेंबळकर साहेब आपण या आपला शुभ सन्मान करण्यात येईल आणि लगेच आपण सामन्याला सुरुवात करतोय। तो चलिए माफी चाहेंगे यहाँ से दर्शकों से कमेंट अब तक इसलिए पहुंच पा रही नहीं आता, खास यहाँ पर पत्रकार मौजूद रहे थे, छोटा सा इंटरव्यू चल रहा था जिसके कारण कमेंट्री अब तक पहुंच नहीं पा रही थी। और अब चलेंगे आपकी तरफ चलेंगे फिर से एक बार, 7000 से ज्यादा दर्शक ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और मैच में देखिए क्या खूबसूरत मजा आता हुआ। छोटा सा टारगेट को बचाना, मैंने पहले ही कहा था जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। और यहाँ पर देखिए आर विलियम गोटेवर पावर टीम देखिए बताते हुए यहाँ पर इस मैच को देखिए रोमांचक मोड़ पर लाते हुए यहाँ पर जिस तरह की मुंबई इंडियंस के फैन करण जी कहते हैं कराईचा लड़ाईचा मैच जिंकाईचा, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर करके भी दिखा रहे हैं और लड़के भी दिखा रहे हैं और इस दुनिया को हिलाने की ताकत रख रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर गोरसाई टीम के भी दर्शक है क्या केकेआर के अंदाज में वो भी कह सकते हैं कोरबे लौड़बे मैच जिंगवे। ऑनलाइन भी दर्शक के बीच में यही चर्चा चल रहा है भाई, लेकिन कहते हैं ना दुनिया जिस पे हंसती है वही इतिहास रचती है। भूमि इलेवन स्मांडा टीम भी तैयार है भाई फिर से एक बार इतिहास रचने के लिए, इस सीजन में इतिहास रच चुकी है। अगर गोटेगढ़ टीम आती है तो वो मैच भुला नहीं होगा एमके ट्रॉफी का, अगर गोरसाई टीम आती है तो फिर आज अलग मुकाबला देखने को मिल सकता है। 9 की नबी जीत के लिए 19 की जरूरत है यहाँ पर। तुषार जी बेंबळकर साहब अपने आपला शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठा वरती करण्यात येईल, मी विनंती करतो बाबे जी मात्र साहब आपल्या शुभ असते हा शुभ सन्मान आपण करायचा। राहुल सर सन्मान ले लीजिए एक बार, भलाई और दो तीन गेंद जाता है जाने दीजिए क्योंकि मैं जब लय में आता है मेरी लय टूट रही है। लीजिए सम्मान लीजिए। भरपूर अप एंड टप चालू आहे परंतु मान्यवरांना देखील भरपूर काम आहे त्यामुळे त्यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय। नाही बिलकुल राहुल सर देखिए वो हमारे आयसीसी हैं बीसीसीआई हैं क्योंकि टेनिस क्रिकेट आज इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, इसलिए कहा कि एक बार सन्मान ले लीजिए फिर उसके बाद मैच की तरफ जाएंगे निश्चित रूप से। तदनंतर आमचे को एंकर श्रद्धा ढोंबरे मैडम त्यांचाही शुभ सन्मान आपण करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। मी विनंती करेल श्रद्धा ढोंबरे मैडम आपण या आपलाही शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करण्यात येईल। और ये चलिए भाई उड़ाया हवाई फायर, गिली 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 चंपा खुश हुई रंबा गेंद गया लंबा ठोकम ठोक दीजिए मैच, क्योंकि समीकरण की बात करेंगे देखिए अब मैच में आ गई है मजा। और मुकेश जी आपका भी स्वागत है भाई इस छक्के के साथ है। समीकरण देखिए अब 7 गेंद 9 की जरूरत है, एक वाइट वातावरण टाइट है और राहुल केनी देखे ये इस तरह के काम कर लेते हैं भाई। राहुल केनी भाग धन्नु बसंती का इज्जत का सवाल है, लेकिन यहां से फिर से एक बार रन आउट, कहानी देखिए बदल रही है कभी इधर तो कभी उधर से। इसे कहते हैं दोस्तों झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है, लेकिन राहुल केनी की इनिंग्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच में जान डाल दी है। पहले चौके दागे फिर से छक्के दागे और मैच में मच गई है सनसनी। अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे भाई, 6 गेंद जीत के लिए 8 की जरूरत है भाई। 8 नवंबर 2016 कौन भूल सकता है जहां नोटबंदी हुई थी, क्या यहां पर 8 के आंकड़े को रोक पाएंगे यहां पर आर विलियम्स गोटेगर पावर टीम, क्या इस मैच को जीत पाएंगे यहां पर दीपक दादा प्रतिष्ठान यहां पर गोरसाई पावर टीम, क्योंकि ये मैच अब कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक, और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। कल वाकलैंड के साथ जब 17 रनों की जरूरत थी तभी राहुल केनी ने आकर दागा था 2 छक्का और फिर से इस बार देखे राहुल खड़े उतरे हैं। करण सर क्या मैच क्या कहना चाहोगे, 6 गेंद अब 8 की जरूरत है तो काय पण होऊ शकते या मैच मध्ये। ज्या पद्धतीने आपण आर इलेवन गोठेगर बी संघाला बघत आहोत सोडला नाही सामना, जिथे शेवटच्या षटकामध्ये एक षटकार राहुलचा बॅटमधून प्रीवियस ओव्हर मध्ये जरूर आला आणि त्या षटकाराने पुन्हा एकदा दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसाई ब संघ मैच मध्ये आलेला आहे। काय होऊ शकतं शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाऊ शकतो आहे आणि आता प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात जवळजवळ tencric.in द्वारे 8500। सर्वांचं स्वागत स्वर्गीय केशव बारकू मात्र स्मृती चषक 2023 मध्ये। क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। यहाँ पर राहुल केनी ने जिस तरह के कहते हैं ना मुर्दे पे जान आना और इस मैच में जान डाली है, लेकिन आरओई इलेवन गोटेगर पावर टीम है अभी भी मैच नहीं हारे हैं भाई।
छह गेंद अभी जीत के लिए आठ रनों की जरूरत है। दोस्तों कहते ही ना क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का, और दोनों टीम का देखिए पसीना निकलता हुआ गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं प्रीतम जोशी। क्या खेमा में लाएंगे खुशी, लेकिन स्ट्राइक पर बैटर देखिए भाई बात करेंगे यहां पर मेघनाथ केनी भाई, लेकिन राहुल केनी रह जाएंगे नौ स्ट्राइक पर। कंपल्सरी चेसिंग और ड्रेसिंग, क्या दर्शक देखिए खचाखच मैदान पर 10,000 से ज्यादा और YouTube पर देखिए 8,000 से ज्यादा। क्या पहला दो गेंद कर देगा मैच का पर्दाफाश, कक्कर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़। और ये चलिए भाई ये गेंद कम खेलना होगा भाई, कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्का लगा डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर प्रीतम बता रहे हैं भाई, आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दो, फिर से एक बार गोटेगढ़ टीम को वापसी का रास्ता दिला दो। वापसी तो दोनों टीम को मिली है, लेकिन कहते ही ना पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे। देखते हैं कौन किसके सामना यहाँ पर डट कर करता है। बहुत मजा यहाँ पर आनंद आता हुआ। और ये देखिए और एक डॉट गेंद भाई यहाँ पर मुश्किल बनते जा रहा है भाई, यहाँ पर मेघनाथ केनी को यहाँ पर आत्महत्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन स्ट्राइक पर आ रहे राहुल केनी, लेकिन अभी भी जीत के लिए देखिए बात करेंगे चार गेंद आठ की जरूरत है। दिल से शुक्र गुजार करना चाहेंगे, देखिए इतनी नौकरी काम काज के बावजूद होने के बावजूद है, लेकिन फिर भी 8,000 से ज्यादा दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं, और दर्शक देखिए मैदान के अंदर भी खचाखच। क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। एक भिवंडी विभाग की टीम है और एक शाहपुर विभाग से टीम है, और मुकाबला कहां पर हो रहा है, बदलापुर के सरजमी के ऊपर हो रहा है। यहाँ तो हर कोई बदलाव का भावना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी राहुल सर कहता है भाई महिमा देखिए खास महिमा इस समय वक्त रचा ले रहे हैं। करण सर क्या कहना चाहोगे, चार गेंद आठ की जरूरत है, पहला दो गेंद डॉट निकलता हुआ। अड़तीसला सात विकेट पड़े जिथे सुरुआत दमदार होती या मैच या दुसरा डावा पण आता या मॅच मध्ये आपण बघत आहोत चार मध्ये आठ काही घडू शकतं। पहिल्या दोन चेंडूंमध्ये एकही धाव आलेली नाहीये आणि त्यामुळे गोलंदाजाकडे आत्मविश्वास पाहायला मिळतोय, तो धावा डिफेंड करू शकत आहे। पाहूयात काय घडेल या मॅच मध्ये। और ये चलिए डगआउट तो चाहेगा भाई राहुल केनी के बल्ले से एक बड़ा हिट लगे, लेकिन यहाँ पर देखिए गोटे करके बॉल टीम के गेंदबाज ने बता दिया भाई भैंस ने अगर जियो का सीम खाया ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भला ही छोटा सा टारगेट रखे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा सा टारगेट में मुश्किल में डाल दिए। 2022 वर्ल्ड कप के T20 का कौन भूल सकता है जब जिम्बाब्वे ने 130 रन बनाया था, पाकिस्तान को भी घुमान आ गया था। हमारे पास बाबर है, हमारे पास रिजवान है, तो उसी तरह के यहाँ पर अंदाजा लगाया गया था कि भावेश है पवन है मैच को हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोटेगढ़ टीम देखिए बात करेंगे क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल का स्पेल है। दोनों टीम ने देखे अति रोमांचक मोड पर मैच को पहुंचा दिए। मैदान में एकदम से सनसनी, मैच थोड़ा सा इसलिए रुका हुआ है खास मेहमान यहां से रजा ले रहे हैं और इसलिए मैच थोड़ा सा रुका हुआ है, दर्शकों के अंदर देखे सनसनी मच चुकी होगी। चार गेंद आठ की जरूरत है और जहां पर कंपलसरी चेसिंग है यहां पर,
राहुल केनी देखे स्ट्राइक पर है, लेकिन डगआउट चाहेगा भाई, कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट चौका या छक्का, फिर से मैच हो जाएगा ओपन। और ये चलिए भाई, कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट छक्का लगाना भाई, अबरा तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना, सरकार गेंद गया भिवंडी गुरसाई चरण। और मैच को देखिए पलटवार करते हुए, अब देखिए कंपल्सरी चेसिंग, तीन गेंद दो की जरूरत है। राहुल केनी, राहुल केनी देखिए, चर्चा होगी भाई इस, अब देखिए तीन गेंद दो की जरूरत है, शायद वो गेंद को बहुत लंबा पहुंचाया, इसलिए तो मैंने जिक्र किया भाई, तुन्ना तुन्ना गेंद कहां गया मुन्ना, गेंद लगभग देखिए भाई बात करेंगे, भिवंडी घोरसाई नाका तक पहुंचा है, लेकिन अब भी देखिए तीन गेंदों की जरूरत है, अभी भी देखिए गोटेगढ़ टीम मैच हारी नहीं है, लेकिन घोरसाई टीम ने मैच में वो वापसी कर लिया भाई, पकड़ बना ली है, पकड़ बना ली है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी छोटा सा टारगेट भी आपके लिए मुश्किल बन जाता है, और वही चीज देखने को मिला था, लेकिन क्या दबाव में यहाँ पर इनिंग्स खेलता हुआ राहुल केनी है। राहुल केनी ने बता दिया भाई, मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त चलता हूँ अंगार की तरह, मेरा ही नाम राहुल केनी है गुरु, मेरा खेलने के अंदाज है ग्लेन मैक्सवेल की तरह, एक मैक्सवेल इनिंग्स यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, लेकिन अभी भी तीन गेंद दो की जरूरत है, क्या कहानी में ट्विस्ट है। और ये देखिए भाई, शायद ऑफ स्टंप से बाहर ज्यादा रह गई, वाइड का इचापा, गेंदबाज है नाखुश, लेकिन वाइड पर तीसरा अंपायर नहीं ले सकते हैं भाई, अब रह गई तीन गेंद, एक ही जरूरत है और कंपल्सरी जहां पर एक रन, चलिए गेम आगे बढ़ाइए भाई, वक्त मत लीजिए, और इसके साथ भूमि ले बस मांडा टीम रहिए तैयार है, तीन गेंद एक की जरूरत है। वाइट की देखिए इतनी यहां पर अंपायर देखिए बहुत है, जब देखिए क्लोजिंग डिसीजन रहता है ना, क्लोजिंग मामला रहता है ना, हमेशा देखिए हर टीम चाहती है कि डिसीजन मेरे पक्ष में आए, कभी बैटर चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आए, फील्डिंग वाले टीम चाहते हैं मेरे पक्ष में आए, लेकिन जो आपने छोटी छोटी गलती कर रहे हो ना, उसे भी भूलना नहीं चाहिए। पिछली गेंद में आपने फ्लाइट दिया था, जो छक्का खाया था वो बहुत बड़ा छक्का था, जैसे बस में धक्का खाना, और इस वक्त छक्का खाना, और गेंदबाज तैयार। और ये देखिए राहुल केनी ने बता दिया, 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं ताला, डीजे ठोक बाला। कड़वा लगे राहुल सर, मैच घोरसाई टीम ने जीता, लेकिन दिल यहां पर गोटेगढ़ टीम ने जीता, क्योंकि इतना छोटा टारगेट को फाइट किया, कहीं ये राहुल केनी का ना छक्का होता। देखिए इस मैच की थोड़ा मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला भाई, बस तो गए थे पवन केनी भावेश पवार से, लेकिन राहुल केनी की बल्लेबाजी ने मार डाला, अभी भी ऑनलाइन दर्शक देखिए 9000 के करीब देखते हुए, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच राहुल केनी, 5 गेंद 21 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग्स यहां पर, काश राहुल केनी का ये इनिंग ना होता, फिर यहां पर आरओ 11 से गोटेगढ़ बॉ टीम पूरी तरह से शिकंजा कस चुके थे और जाल में फंसा लिए थे एकदम से, लेकिन राहुल केनी उस जाल से निकाले, इतिहास गवाह किए फिर से एक बार राहुल।